हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कची रमन इक्वेशन मस्त चल रहे हैं? देखो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले पार्ट पर आ गए हैं। पिछले वीडियो में तुमको मैंने क्वेश्चन कराया था और आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले बेटा पिछले वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप शुरू से देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों, सब कुछ समझने के लिए, नॉलेज से पढ़ने के लिए सारे वीडियो स्टार्टिंग से आप देखिए। देखो, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने किया था। देखो, वो क्वेश्चन ये था, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिया था कि एफ जेड इक्वल टू था जेड स्क्वायर प्लस जेड और कॉमा जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ जेड इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा था कि यहाँ पर z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। तो मैंने बताया था काची रामन इक्वेशन डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो काची रामन इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई थी। तो बेटा पिछला वीडियो जरूर देखिए इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि पिछले वीडियो में ही इस सवाल की स्टार्टिंग है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ गया, क्योंकि मजबूरी होती है कई बार। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या होता है। मैंने निकाला था काची रामन इक्वेशन, देखो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 1 आई थी, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू 0 आई थी, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 आई थी, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू 1 आई थी। ये हमने आपको निकाल के बताया था। तो देखो, मैंने बताया था कि काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल एक्स है, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई है, और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। देखो भाई, इसके आगे माइनस लगा दोगे तो इसके बराबर ही तो है ना, माइनस जीरो तो जीरो ही होता है ना। बोलो, तो काची रामन इक्वेशन देखो बच्चों यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अब क्या ये फंक्शन एनालिटिक कहेंगे? ऐसे नहीं। देखो ध्यान देना, काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। उसमें एक और बात होती है कि जो कंटिन्यूअस, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। अब एक्चुअली यहाँ पर ये चूंकि जीरो पर वैल्यू बदल रहा है, इसलिए इन डेरिवेटिव को क्या कंटिन्यूअस कहेंगे? अब ये बड़ी समस्या है। तो इसका तरीका तो है, लेकिन थोड़ा सा टफ मेथड है वो, कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाए। इसका मेथड तो है, मैं तुमको आगे बताऊंगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये कब? जब फंक्शन वैल्यू बदले। अदरवाइज जब फंक्शन वैल्यू नहीं बदलता था तो तुमको मैंने क्वेश्चन बताए थे ऐसे, जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव को देखते ही हम बोल सकते थे कि ये कंटिन्यूअस है। तो बच्चों पिछले वीडियो देखना बहुत जरूरी है, सारे वीडियो देखिए, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत करिए बेटा, सारे वीडियो देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन चूंकि फंक्शन जीरो पर वैल्यू बदल रहा है, तो इसलिए हम इनको देख के ये नहीं कह सकते कि काची रामन इक्वेशन से जो हमें पार्शियल डेरिवेटिव मिले हैं ये कंटिन्यूअस हैं। भले ही तुमको सर 1 है 0 है तो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदल रहा है इसलिए ये दिक्कत है। हाँ, अगर फंक्शन वैल्यू नहीं बदल रहा होता और ये चीज़ें आती तो हम कह देते कि हाँ भाई, ये काची रामन इक्वेशन में डेल यू बाई जो पार्शियल डेरिवेटिव निकले हैं ये 1 है या 0 है, और 1 और 0 दोनों ही कंटिन्यूअस होते हैं। चूंकि वैल्यू बदल रहा है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब अगर हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो बेसिक डेफिनेशन पे जाना होगा। देखो हाँ, अगर काची रामन इक्वेशन ना सेटिस्फाई हो रहे होते तो हम सीधे सीधे कह देते कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए हैं तो अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये केवल नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशियंट नहीं। सफिशियंट के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, और उनको भी कंटिन्यूअस देखना यहाँ आसान नहीं है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदलना है। मेथड तो है, उसका तरीका है, मैं तुमको आगे समझाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा और टफ है फिर। तो अब देखो, अगर हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो बेसिक डेफिनेशन पे जाना होगा। बेसिक डेफिनेशन देखो क्या कहती है, कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर, मैंने क्या बताया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ जेड अपॉन एच, ये मैंने आपको बताई थी।
और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये लिमिट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चले इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे हम एक्स एक्स मतलब चाहे रियल के लॉन्ग चलें, चाहे इमेजिनरी के लॉन्ग चलें, चाहे रेडियस वेक्टर के लॉन्ग चलें, और रेडियस वेक्टर से भी काम नहीं चला था तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स क्यूब भी लेना पड़ा था कई जगहों पर। तो बच्चों सारे वीडियो देखिए, आपको दिमाग में बिल्कुल टॉपिक उतर जाएगा, गारंटीज बता रहा हूँ कि आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया समझने में। ठीक है देखो, तो अब हमें चूंकि जीरो पर चेक करना है तो जेड की जगह जीरो रख दिया जाए, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जेड को जीरो रख दो, ठीक है, तो एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, समझे ना, जेड को रखोगे जीरो तो जीरो प्लस एच एफ एच बचेगा। एच क्या है, एच है स्मॉल चेंज इन जेड, एच क्या है बोलो, एच है स्मॉल चेंज इन जेड। देखो यही एच जब पार्शियल डेरिवेटिव में आया था तो यहां पर एच बराबर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई था, समझो ध्यान से, जब मैंने कचिरामन इक्वेशन निकाला था पार्शियल डेरिवेटिव में जब ये एच आया था तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा था तो यही एच स्मॉल चेंज इन एक्स था, और जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा था तो यही एच स्मॉल चेंज इन वाई था, यहां पर स्मॉल चेंज इन जेड है ये, ठीक है, बात समझे बच्चों, लिखो जैसे यहां तक। अब देखो क्या होगा, वैल्यू रखते हैं, देखो एफ एच, एफ एच का मतलब यहां से रखना पड़ेगा तो एच स्क्वायर प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि एच का मतलब जीरो नहीं तो एच स्क्वायर प्लस एच हो गया। एफ जीरो, एफ जीरो की देखो वैल्यू ये हो गई जीरो, और अपॉन कितना हो गया एच हो गया, तो हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन ले लिया तो एच प्लस वन अपॉन एच हो गया, एच से एच कैंसिल, एच को रखा जीरो तो वैल्यू कितनी आ गई वन। देखो ये किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ना तो ये एक्स पर डिपेंड कर रही ना ये वाई पर डिपेंड कर रही, इसकी वैल्यू वन आ गई, इसका मतलब यही इसका डेरिवेटिव भी हो गया, समझो ध्यान से, यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो गया, किस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, देखो इसका आंसर यूनिक आ गया, ये किसी एक्स पर या वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इसमें x या y जैसे टर्म आते वो मजबूरी में आते हैं जब ये सिंप्लीफाई नहीं होता है ना, ये तुम्हें मैंने सवाल देखो करके दिखाए हैं हर टाइप के बेटा पीछे भी, कि इसमें x और y के टर्म जब बनते हैं तो वहाँ पर देखना पड़ता है किस डायरेक्शन के लॉन्ग चलें, तो पुराने बेटा सारे वीडियो देखिए है ना, कचिरामन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एनालिटिक फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराने सारे वीडियो देखिए तो आपको कोई दिक्कत कहीं पर से नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू वन आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो जेड बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है या कह दो कि एनालिटिक है, एक ही बात है, डिफरेंशिएबल या एनालिटिक, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू आई है किसी एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं कर रही, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये आप किस डायरेक्शन में चलेंगे इसका इस पर फर्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू देखो डायरेक्ट यहां पर आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना जब फंक्शन वैल्यू चेंज करता है तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कचिरामन इक्वेशन कैसे लगानी है ये भी मैंने आपको समझाया, और हाँ कचिरामन इक्वेशन पर भरोसा नहीं करना है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होते तो कहते फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, अगर ये सेटिस्फाई होंगे तो हमको बेसिक डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा और यहाँ से डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा आखिर क्या है, बात समझे, लिखो इसके एक दो बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग अभी और करते हैं जिससे दिमाग में कॉन्सेप्ट और बैठेगा। ठीक है ना, लिखो जल्दी से, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे, देखो बच्चों हम लोग एक और बढ़िया सवाल करते हैं इसी टॉपिक का। देखो जैसे मान लो क्या हो रहा है,
एक क्वेश्चन दिया जाए बच्चों। क्वेश्चन देखो ऐसा है कुछ, एफ जेड की वैल्यू देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10, ठीक है, और जेड नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 दी गई है अगर जेड बराबर 0, ऐसे दिया गया। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आई वाई एक्स 4 प्लस वाई 10, और कह रहे हैं कि z बराबर 0 पर है ना इसका नेचर चेक करिए, ठीक है, z बराबर 0 पर चेक करना है, ठीक है, कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और काची रामन इक्वेशन भी चेक करनी है, ठीक है। काची रामन इक्वेशन भी हमें देखनी है कि सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है, काची रामन इक्वेशन भी हमें देखनी है कि सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो देखो बच्चों, कई बार ऐसा कहते हैं, ये सवाल देते हैं कि प्रूव करो कि काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कई बार ऐसा भी सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये उसी टाइप का एक सवाल है। इसमें भी काची राम, देखो पिछले सवाल में क्या था, काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई थी और फंक्शन भी डिफरेंशिएबल था। इस सवाल में क्या होगा, काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस सवाल में ऐसा कुछ देखने को हमको मिलेगा। अभी देखो कैसे चेक करते हैं, देखो समझो ध्यान से बच्चों। देखो सबसे पहले हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालें, तो इसका तरीका देखो मैंने क्या बताया था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई और अपॉन एच। एच यहां पर क्या है, यहां पर एच है डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में स्मॉल चेंज। चूंकि हमें जीरो जीरो पर चेक करना है, क्योंकि हमें z बराबर 0 पर चेक करना है, z बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, z बराबर 0 का मतलब हुआ x भी 0 और y भी 0। तो देखो x 0 y 0 इसमें रख देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 u ऑफ h कॉमा 0 माइनस u ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइड बाय h, है ना, बोले भाई समझे, x की जगह रख दिया 0 और y की जगह रख दिया 0। वैल्यू निकालो, देखो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 u ऑफ h कॉमा 0, देखो यहां से निकलेगा h कॉमा 0, तो x की जगह रखना है h और y की सॉरी u भी चेक करो पहले, u क्या है, देखो रियल पार्ट, u क्या है, देखो रियल पार्ट, देखो क्या है, x की पावर 3 y की पावर 5 अपॉन x 4 प्लस y 10, देखो ये है u, u का मतलब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये रियल पार्ट, और v क्या है, देखो इमेजिनरी पार्ट, दो क्या हुआ x स्क्वायर y की पावर 6 अपॉन x 4 प्लस y 10, ठीक है, u क्या है बोलो रियल पार्ट, और v क्या है बोलो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो u h कॉमा 0 यहां से निकालो, x की जगह h और y की जगह 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, देखो, और u 0 0 तो वैसे भी 0 है क्योंकि देखो z बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, तो z बराबर 0 पर w क्या है, 0 है, फंक्शन w का मतलब fz, w का मतलब क्या होता है fz, तो z बराबर 0 पर वैल्यू 0 है, तो u plus iv भी 0 है, इसका मतलब u भी 0 है और v भी 0 है, समझे, तो u 0 0 मतलब u 0 का मतलब हुआ कि x 0 y z बराबर 0 का मतलब x 0 y 0, तो इस पॉइंट पर u 0 है, इस पॉइंट पर u 0 का मतलब क्या हुआ कि u ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 है और v ऑफ 0 0 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि z बराबर 0 पर फंक्शन 0 है, फंक्शन का मतलब u भी 0 है और v भी 0, तो 0 अपॉन h, देखो इसकी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0 बाई एनीथिंग क्या होगा बोलो 0 होगा, तो आंसर इसका 0 आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स का, ठीक है, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 आ गई। अब डेल यू बाई डेल वाई देखो, तो कैसे देखोगे, इसको लिखो पहले, डेल यू बाई डेल वाई देखो बेटा क्या होगा,
क्या होगा बच्चों, डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई प्लस एच माइनस एक्स वाई अपॉन एच, और यहां पर एच क्या होगा, एच होगा यहां पर डेल वाई। देखो एक्स जीरो वाई जीरो पुट कर दो तो ये हो जाएगा क्या बोलो, जीरो कॉमा वाई और अपॉन एच। अब जीरो कॉमा वाई, देखो जीरो कॉमा वाई निकालो यहां से, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह वाई, जीरो कॉमा वाई, तो देखो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये जीरो जीरो भी क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एच, देखो फिर जीरो आ जाएगा, तो डेल यू बाई डेल वाई का भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो डेल यू वाई डेल एक्स भी जीरो आया है इसमें, और डेल यू वाई डेल वाई भी इसमें देखो जीरो ही आया है। अब डेल वी वाई डेल एक्स देखें, तो इसके लिए देखो यहां पर वी कर देते हैं और यहां पर एक्स कर देते हैं, डेल वी वाई डेल एक्स, तो क्या हुआ बोलो, वी एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस वी और अपॉन एच, और यहां पर एच क्या है बोलो, एच है डेल एक्स, ठीक है बोलो, डेल वी बाई डेल एक्स हमें करना है, वी एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है ना। अब देखो एक्स जीरो बाई जीरो पुट किया तो ये हो गया वी एक्स कॉमा जीरो, ठीक है सॉरी एच कॉमा जीरो, एक्स जीरो बाई जीरो रखेंगे ना, और वी जीरो जीरो अपॉन एच। अब वी एच कॉमा जीरो की वैल्यू निकालो, देखो वी एच कॉमा जीरो तो x की जगह h, y की जगह 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, और v 0 0 तो वैसे भी 0 है, तो इसका भी आंसर 0 आ गया, तो del v by del x की वैल्यू भी 0 आ गई, बस समझे। अब del v by del y निकालो, लिखो जल्दी लिखो बच्चों, इसको लिखो बेटा, यहां पर देखो y कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो del v by del y निकालेंगे तो क्या होगा, ये x होगा और y में चेंज होगा, कॉमा y प्लस एच और अपॉन एच, ठीक है। x y की जगह जीरो जीरो पुट किया तो क्या होगा बोलो, जीरो कॉमा एच, ठीक है। अच्छा बोलो भाई, डेल v बाई डेल y करना है, सही हो गया। अब v जीरो एच रखो, v जीरो x की जगह जीरो, y की जगह तो फिर जीरो हो जाएगी वैल्यू, फिर आंसर जीरो हो जाएगा, तो डेल वी बाई डेल वाई भी जीरो आएगा। इसका देखो मतलब क्या हुआ कि डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई बराबर है, और डेल यू बाई डेल वाई और माइनस डेल वी बाई डेल एक्स भी बराबर है। इसका मतलब काची रामन इक्वेशन जो है वो यहां पर सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या फंक्शन एनालिटिक होगा, नहीं कह सकते फंक्शन एनालिटिक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अब हमको जाना होगा, कहां पर जाना होगा बच्चों, अब हमको जाना होगा इसके ओरिजिनल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पर, बस समझे। लिखो जरा इसको पहले ध्यान से, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शुभ है, शुभ ही सुंदर है। देखो बच्चों अब हम इसमें जरा देखो, डिफरेंशिएशन की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उस पर चले। ये क्या कहती है, ये कहती है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ z प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, और चूंकि हमें जेड बराबर जीरो पर चेक करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे बोलो, जेड की जगह पर जीरो रख देंगे, ये देखो। अब एफ एच की वैल्यू क्या होगी समझो, है ना, एफ ऑफ एच की देखो वैल्यू हमें यहां पर चाहिए है बच्चों, है ना, f ऑफ h की वैल्यू चाहिए। अब h तो मालूम है नहीं कि क्या है, बस समझे, f h की वैल्यू चाहिए है। h क्या है, h है स्मॉल चेंज इन डेल,
एच क्या है बोलो, एच है स्मॉल चेंज इन जेड। तो अब देखो यहां पर जैसे एच की जगह अगर तुम जेड रख दोगे तो यहां तो एक्स वाई में सब कुछ चल रहा है मामला, बात समझे? क्योंकि एफ ऑफ एच जेड की जगह एच रखोगे तो कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जेड में तो है ही नहीं, सब कुछ एक्स वाई में चल रहा है, बात समझ रहे हो ना? कि बोलो भाई, अब तुम यहां पर एच जेड की जगह एच नहीं रख सकते, क्योंकि जेड की जगह एच रखोगे तो यहां तो एक्स वाई में चल रही ना चीजें, कैसे करोगे? तो देखो क्या करते हैं, इसमें हम h को ये मान लेते हैं, h को मान लो x1 plus iy1, है ना? अब तुम जब fh निकालोगे तो fh का मतलब हो गया क्या बोलो, fh का मतलब हो गया x1 plus iy1। तो तुम अब यहां पर x की जगह x1 और y, क्योंकि देखो fz का मतलब क्या है, fz का मतलब है f of x plus iy, यही तो मतलब है ना? तो अब तुम यहां पर ये वैल्यू रखोगे, x की जगह x1 और y की जगह पर y1, तो x1 स्क्वायर y1 की पावर 5 x1 प्लस iy1 और अपॉन x1 की पावर 4 और y1 की पावर 10, ये तुम यहां पर रख सकते हो। और f0 की वैल्यू 0 है और अपॉन क्या है h, h का मतलब क्या हो गया x1 प्लस iy1, तो ये तुमने देखो यहां पर वैल्यू को रखा। f0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसकी वैल्यू यहां से रखने के लिए h को ऐसा माना। देखो ऐसा तुमको मैंने पहले भी सवाल कराए थे और वहां पर बताया था कि ऐसे करना होता है, ये बस समझे? लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले इसको जल्दी लिखो, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शुभ है, शुभ ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम। चलो आगे बढ़े, देखो क्या होगा बच्चों आगे बढ़ेंगे तो देखो इसमें है ना, चूंकि हमें z बराबर 0 पर निकालना है ना, इसलिए हमने z की जगह 0 पुट कर दिया। देखो z की जगह 0 पुट कर दिया हर जगह, क्योंकि z इक्वल टू 0 पर ही हमें कंटिन्यूटी मतलब सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये x1 plus iy1, x1 plus iy1 कैंसिल हो गया, तो बच गया है लिमिट h टेंडिंग टू 0 x1 स्क्वायर y1 5 अपॉन x1 4 प्लस y1 10। अब देखो यहां पर देखो ये x1 y1 पर डिपेंड कर रहा है, तो अब इसकी लिमिट ऐसे नहीं निकाल सकते, अब देखना पड़ेगा किस रास्ते के अलोंग चलें। जैसे मान लो अगर हम चलें अलोंग रियल एक्सिस, तो अलोंग रियल एक्सिस चलें, रियल एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब देखो ये सब बता चुका हूं मैं आपको, ये सब चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कैसे करना है, ये सब मैं कई कई बार बता चुका हूं आपको। अब h टेंडिंग टू 0 है, h का मतलब क्या हुआ, x1 plus iy1 टेंडिंग टू 0, चूंकि y1 को 0 रखना है, क्योंकि रियल एक्सिस पर y1 0 होगा, क्योंकि h क्या है, h है x1 plus iy1, तो रियल एक्सिस पर y1 0 होगा, तो y1 की जगह 0 रखोगे तो x1 tending to 0, देखो क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट x1 tending to 0 और y1 को 0 पुट कर दो, तो 0 अपॉन ये हो गया x1 4 plus 0, तो वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा along imaginary axis चले मान लो, along imaginary axis चले, imaginary axis पर x1 0 होता है, तो अब देखो x1 चूंकि 0 है, h tending to 0 है, h का मतलब x1 plus iy1 tending to 0, x1 को 0 पुट किया तो y1 tending to 0 हो गया। तो अब अगर तुम इसमें x1 को 0 रखोगे तब भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसकी along imaginary axis भी इस लिमिट की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम x1 को 0 पुट करोगे तो सबको 0 हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी नहीं कह सकते कि 2x
मतलब अलोंग रियल एक्सिस भी वैल्यू जीरो है, अलोंग इमेजरी एक्सिस भी वैल्यू जीरो है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब अलोंग किसी और लाइन चलो, मान लो हम किसी और लाइन के अलोंग चलते हैं, देखो उसको मिटाते हैं यहां से। अब मान लो हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हम चलते हैं अलोंग y बराबर x ले लो, या y बराबर 2x ले लो, या y बराबर x स्क्वायर ले लो, या y बराबर x क्यूब ले लो, ऐसे कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। या देखो इन जनरल ऐसा करो कि y बराबर mx ले लो, mx y बराबर mx मान लो एक जनरल, क्योंकि y बराबर mx जो है ओरिजिन से जाने वाली लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, आपको मालूम है ना y बराबर mx। तो अलोंग y1 बराबर mx1 ले लें, देखो ये वैल्यू रखें, देखें क्या होता है। तो इससे क्या होगा, h टेंडिंग टू जीरो है, h का मतलब x1 plus iy1 टेंडिंग टू जीरो, y1 की वैल्यू ले लो mx, तो i into mx1 बराबर जीरो, x1 कॉमन ले लिया तो 1 plus i m बराबर जीरो, तो x1 की वैल्यू होगा जीरो। तो देखो यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x1 टेंडिंग टू जीरो और x1 का स्क्वायर, y की जगह x1 रखा तो m की पावर 5 x1 की पावर 5 अपॉन x1 की पावर 4 प्लस ये क्या हो गया m की पावर 10 x1 की पावर 10। अब x1 की पावर 4 कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, x1 की पावर 7 ऊपर है, 4 कॉमन लेके कटेगा तो x1 की पावर 3 बचेगा, बात समझे, और x1 की पावर 4 कॉमन ले कट जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा m की पावर 10 x1 की पावर 6। अब देखो x1 को रखोगे जीरो तो वैल्यू फिर जीरो हो गई, तो क्या अभी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कह सकते हैं, कोई और रास्ता देखो। बड़ी समस्या है, तुमको कह रहे सर कहां फंसा दिया, लेकिन बेटा फंसा नहीं दिया, क्या करें, ये सवाल ऐसा है, काची रामन ने क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फंक्शन फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो y बराबर mx से अभी वैल्यू जीरो है, अब हम कोई और रास्ता देखो पकड़ते हैं। देखो हम मान लो क्या करें, देखो ऐसा कुछ सोचे कि अलग आए, देखो ऐसा करें हम ये रास्ता पकड़ें, देखो हम इस बार रास्ता पकड़ते हैं, देखो ये वाला, ये रास्ता पकड़े, ऐसा करें y1 की पावर 5 बराबर x1 की पावर 2 ले लें, देखें क्या होता है, ये वैल्यू रखें, देखो है ना y1 की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो है ना, देखो h टेंडिंग टू एक्चुअली जीरो है ना, h टेंडिंग टू जीरो है, h का मतलब क्या हुआ x1 plus i y1 टेंडिंग टू जीरो, h की वैल्यू ये है ना, जैसे कि यहां से y1 की वैल्यू क्या हो गई x1 की पावर 2 by 5, तो ये वैल्यू रखो x1 plus i x1 की पावर 2 by 5 टेंडिंग टू जीरो, तो x1 भी टेंडिंग टू जीरो ही हो जाएगा, सोचो, तो लिमिट x1 टेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू रखो x1 स्क्वायर देखो नीचे x1 की पावर 4 और ये पावर 10 करोगे तो x1 की पावर 4। अब देखो ये हो गया लिमिट x1 टेंडिंग टू जीरो x1 की पावर 4 और नीचे 2x1 की पावर 4 कट जाएगा तो आंसर 1 बाय 2 आ गया, यानी फंक्शन क्या हो गया बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, अलोंग दिस चले तो वैल्यू चेंज आ गई। मतलब कह रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से चलो, कोई भी डायरेक्शन ले लो और सेम वैल्यू आनी चाहिए हर बार। तो देखो अलोंग रियल एक्सिस वैल्यू जीरो थी, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस वैल्यू जीरो थी, y बराबर mx के अलोंग भी वैल्यू जीरो थी, mx का मतलब y बराबर x लोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी, y बराबर 2x लोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी, y बराबर 100x लोगे तब भी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन एक और रास्ता हमने देखा कि कुछ ऐसा पकड़े इससे वैल्यू कुछ अलग आए, देखो वैल्यू चेंज आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं डिफरेंशिएबल है, और यही प्रूव करना था कि काची रामन ने क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल देखो यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, समझो ध्यान से बच्चों, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक सवाल मैं आपको और कराता हूँ, लिखो पहले ध्यान से इसको जरा, एक क्वेश्चन देखो हम लोग और करते हैं इस टाइप का, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए सवालों को करने की।
बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोया ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। देखो बच्चों, एक और सवाल करते हैं। सवाल देखो ये है, एक फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। फिर देखो सेम बात है, क्या कह रहे हैं कि इज नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर जीरो, बट काची रैमन इक्वेशन सेटिस्फाई, काची रैमन इक्वेशन सेटिस्फाइड। काची रैमन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फंक्शन जो है वो जेड बराबर जीरो पर एनालिटिक नहीं है, ऐसा हमको देखो यहां पर प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन देखो यहां पर ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या इसमें और तो नहीं कुछ दिया है? नहीं, इसमें और कुछ नहीं दिया। मतलब देखो ये फंक्शन की वैल्यू दी है एफ जेड बराबर अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। देखो ये हमें फंक्शन की वैल्यू यहां पर दी गई है। बात समझे बच्चों? जेड बराबर जीरो पर प्रूव करना है, एनालिटिक नहीं है, जबकि काची रैमन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना? तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स निकालना चाहे। अब देखो जैसे यहां पर जो फंक्शन है वो ये है। अब देखो इसमें आयोटा है ही नहीं, तो मतलब ये पूरा पूरा यू है, क्योंकि यू प्लस आई वी होता है। बोलो एफ जेड का मतलब क्या होता है? बोलो यू प्लस आई वी। तो यू क्या होता है? रियल पार्ट। देखो यहां सब कुछ रियल ही है, तो ये पूरा पूरा एक्चुअली यू है, और वी कितना है यहां पर? जीरो है। V इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? V का कोफिशिएंट, और V यहां पर है नहीं। तो देखो U की वैल्यू ही आ गई। ठीक है? अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात हम ये समझें, ये मॉड है, मॉड एक्स वाई, जिससे कि मॉड लगा दिया जिससे वैल्यू पॉजिटिव रहे हमेशा। ठीक है? अब देखो यहां पर एक्चुअली मॉड लगा हुआ है ना, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉड जैसे कि हम कहें कि सर यहां तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एफ जीरो अलग तो दिया नहीं गया, जेड बराबर जीरो पर वैल्यू अलग तो दी नहीं गई, तो इसमें डायरेक्ट हम डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई निकाल लें, लेकिन निकलती कर जाएंगे। देखो क्यों, यहां मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्चुअली। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वाई बराबर मॉड एक्स अगर हम लेते हैं, तो मॉड एक्स क्या होता है? इसका ग्राफ ऐसे करके होता है, और ये x बराबर जीरो पर कॉर्नर लेता है, और जब फंक्शन कॉर्नर लेता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसको हम डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स नहीं निकाल सकते। हाँ, डेल वी बाई डेल वाई निकाल लो, ये फंक्शन कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन डेल यू बाई डेल एक्स हमें फिर बेसिक डेफिनेशन से निकालना पड़ेगा। देखो डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है तो क्या होगा? फिर वही लिमिट का कॉन्सेप्ट, समझ गए ना कि यहाँ पर डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि फंक्शन, तुम कहोगे सर अब यहाँ पर जेड बराबर जीरो पर वैल्यू अलग तो दी नहीं गई, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मॉड लगा है, और मॉडलस वाले फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, इसलिए आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे वाई बराबर मॉड एक्स है, अब तुम इसका डी वाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा आज तक जिसमें मॉडुलस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बता दिया गया हो ना। मॉडुलस को डिफाइन बिना किए आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। मान लो मैं वाई बराबर साइन मॉड एक्स कर दूं, अब आप इसका डी वाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जब तक आप फंक्शन का बिहेवियर चेक ना कर लें। लेकिन हाँ, डेफिनेशन हर जगह लगती है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वही डेफिनेशन लगा रहे हैं। देखो क्या होगा, यू x प्लस एच कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन एच हो जाएगा, क्योंकि तो हमें कहां पर जीरो पर चेक करना है, तो जीरो का मतलब x भी जीरो है और y भी जीरो है, तो इसमें x जीरो y जीरो रख देते हैं पहले, तो क्या बनेगा,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यू ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो और अपॉन हो जाएगा एच। देखो समझो, अब देखो यू एक्स वाई क्या है, बोलो यू एक्स वाई अंडर रूट मॉड एक्स वाई है, तो यू एच कॉमा जीरो निकालोगे तो क्या होगा अंडर रूट मॉड ऑफ एच कॉमा जीरो, तो वैल्यू जीरो हो गई। यू ऑफ जीरो कॉमा जीरो निकालोगे फिर यहीं पर एक्स जीरो वाई जीरो रखोगे तो फिर वैल्यू जीरो हो गई। तो देखो सब कुछ जीरो हो गया, तो क्या आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, तो न्यूमरेटर जीरो है तो पूरी वैल्यू जीरो ही हो गई। इसी प्रकार डेल यू वाई डेल वाई निकालोगे तो वो भी जीरो होगा, क्योंकि वहां पर भी यही सब आएगा, वहां जीरो एच हो जाएगा और जीरो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो ही हो जाएगी। कर लेना इतना, अरे कर लेना यार इतना, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, वो भी जीरो हो जाएगा। और देखो v तो कांस्टेंट है, इसमें तो डायरेक्ट आप निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो, और डेल v वाई डेल वाई निकाल लोगे तो जीरो, क्योंकि इसमें कोई मॉडुलस तो आ नहीं रहा, इसमें तो मॉड था इसलिए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि फंक्शन तो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है ना, फंक्शन तो यूनिफॉर्म है, बस समझे। एक्चुअली मॉड लगा है तो मॉडुलस में जो है ना वो थोड़ी दिक्कत होती है ना, मॉडुलस फंक्शन कई बार वैल्यू बदल देते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉची रामन इक्वेशन सैटिस्फाई कर रही है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई देखो बराबर है, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स आगे निगेटिव करोगे तब भी बराबर है, लिखो जल्दी से। तो कॉची रामन इक्वेशन देखो यहाँ पर सैटिस्फाई हो रही है ना, कॉची रामन इक्वेशन देखो बेटा यहाँ पर सैटिस्फाई हो रही है, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही, ठीक है ना, तो काची ना मैंने को सैटिस्फाई हो रही है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई है, देखो है ना क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इक्वल आ गया देखो, क्योंकि आगे माइनस अगर होगा भी तब भी फर्क नहीं पड़ता ना, माइनस जब जीरो जीरो ही होता है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब देखो काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई फिर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस ने समस्या पैदा कर दी, ठीक है, तो काची रामन इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, अक्सर ऐसा होता है और यही सवाल एग्जाम में दिए जाते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, बस समझे। देखो मिटाते हैं इसको, हाँ देखो बच्चों अब हमें जीरो जीरो पर चेक करना है, तो क्या होगा देखो डी डब्ल्यू वाई डी जेड बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, ठीक है, जेड को जीरो रख दू तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, है ना, जेड की जगह जीरो पुट कर दिया क्योंकि जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब देखो यहां पर एफ जेड ये दिया गया ना, एफ जेड दिया गया है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, एफ जेड का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, अच्छा हमें एच को ये मान लो, एच को मान लो एक्स वन प्लस आई वाई वन, तो एफ एच क्या हो गया, एफ एच का मतलब एक्स वन प्लस आई वाई वन, तो क्या होगा अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वन और वाई वन, है ना, यहां से निकालो देखो ये देखो निकालो, तो क्या होगा देखो यहां से ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन वाई वन माइनस एफ जीरो की वैल्यू देखो जीरो है, एफ जीरो का मतलब एक्स जीरो वाई जीरो, तो यहां रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, है ना, एक्स जीरो वाई जीरो यहां रखोगे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अपॉन कितना है एच, एच का मतलब क्या हो गया एक्स वन प्लस आई वाई वन, देखो ये एक्स वन वाई वन पर डिपेंड कर गया, ये क्या हो रहा बोलो x1 y1 पर देखो डिपेंड कर गया,
तो अब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, कुछ रिलेशन चाहिए। देखो रिलेशन के लिए क्या करें, मान लो हमने y1 बराबर mx1 ले लिया, मान लो इस रास्ते के अलावा हम चलते हैं, तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, बोलो, लिमिट x1 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, अंडर रूट मॉड ऑफ x1, और क्या हो जाएगा mx1 अपॉन x1 प्लस i इंटू mx1। अब देखो x1 स्क्वायर अंदर आएगा है ना, तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड m, x1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस i m हो जाएगा। x1 देखो कैसे हो गया, तो देखो ये क्या हो गया, अब इसमें देखो x बचा ही नहीं, तो यही आंसर आ गया, क्योंकि अगर x का टर्म बचता तो x को रखते जीरो, इसमें देखो अंदर x का टर्म बचा ही नहीं, जो x1 को जीरो रखें यही आंसर आ गया। तो मतलब देखो ये वैल्यू m पर डिपेंड कर रही है, m का मतलब ये हुआ जैसे y बराबर m को 1 लेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, m को 2 लेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, m को 3 लेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, इसका मतलब अलग अलग रास्तों पर वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि ये m पर डिपेंड कर रही है। y बराबर m को 1 ले लेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी, m को 2 ले लेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी, m को 10 ले लेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी, तो इसका मतलब अलग अलग रास्ते में वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, बोलो z बराबर 0 पर क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, बस समझे, यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लेना, अब आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, अब अगले वीडियो में हम लोग काचीरामन इक्वेशंस का प्रूफ देखेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है काचीरामन इक्वेशन को प्रूफ करो, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, अब ये सवाल आप कर लोगे डिफरेंशिएबिलिटी वाले, इतने सारे देखो मैंने आपको एग्जांपल करा दिए, अब आपको इन सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत होगी तो मैं हूँ, बोलो बोलो, ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।